करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मई की शुरुआत हो चुकी है और आइए आज 1 मई को देखते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको न्यूज़पेपर से पढ़नी चाहिए थी। तो सबसे पहले 1 मई का जो दिन है ये है बेसिकली महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाने वाला दिन। साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी देखेंगे तो इस दिवस को हम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 1 मई ध्यान रखना है आपको, 1 मई को हम मनाते हैं महाराष्ट्र दिवस और साथ साथ में आपका गुजरात दिवस। ये क्यों मनाते हैं महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस 1 मई को, तो इसके पीछे का कारण है 1960 में जो बॉम्बे स्टेट हुआ करता था वो मल्टीलिंगुअल स्टेट हुआ करता था, बहुभाषी राज्य हुआ करता था। एक तरफ भाषा के रूप में मराठी भाषा थी और दूसरे वाले सेक्शन में गुजराती भाषा बोलने वाले लोग हुआ करते थे। तो 1960 में एक पार्लियामेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया, एक अधिनियम जारी, और उसके तहत ये दोनों राज्य क्या हो गए, अलग हो गए। तो इस तरीके से 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों अस्तित्व में आए 1960 में, और तब से 1 मई को लगातार मनाया जा रहा है महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस। साथ ही साथ 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस, लेबर डे भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसकी शुरुआत कैसे हुई 1 मई को मनाने की, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अमेरिका में आपका 1886 में 1 मई को मजदूरों ने हड़ताल की। हड़ताल करने का कारण था काम की अनिश्चित अवधि। कभी किसी मजदूर से 10 घंटे काम कराया जा रहा, कभी 12 घंटे, कभी 14 घंटे, कोई काम करने की एक निश्चित अवधि नहीं थी, टाइम नहीं था। साथ साथ में छुट्टियां भी नहीं मिल रही थी मजदूरों के ऊपर, आपका ज़्यादा जातियाँ हो रही थी। तो इसी के खिलाफ अमेरिका में मजदूरों ने हड़ताल करी। 1889 में दूसरा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है। 1 मई को आपका सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की सहमति बनी। 1 मई को साथ साथ में अवकाश रखा गया और ये भी माना गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानक होगा, स्टैंडर्ड आपका टाइम होगा किसी भी व्यक्ति से या मजदूर से काम कराने का, वो कितना होगा, 8 घंटे। इसी को आपका मानव मानक वर्ष कहा गया है। तो जो मानव मानक वर्ष है उसके अनुसार आपका आप स्टैंडर्ड 8 आवर्स ही किसी भी श्रमिक से काम करा सकते हैं। ये भाई आपके मोहम्मद साहबुद्दीन हैं जिनका निधन हो गया, बस इनके बारे में इतना ध्यान रखना है। ये बिहार के सिवान से सांसद रह चुके हैं, बाहुबली के नाम से आपका फेमस थे, बाकी और कोई इनके बारे में खास नहीं। अब एक बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट चीज़, 1 मई को मनाया जा रहा है शहीदी दिवस। शहीदी दिवस आपका किसकी याद में मनाया जा रहा है, गुरु तेग बहादुर जी की याद में मनाया जा रहा है, 400वां प्रकाश वर्ष। तो ध्यान रखिएगा ये 400वां जो प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है, ये 400वां प्रकाश वर्ष गुरु तेग बहादुर की शहादत के रूप में मनाया जा रहा है। तो गुरु तेग बहादुर जो कि बचपन से ही बहुत ही चतुर थे, बहुत ही आपका वीर थे, उनको आपका तेग बहादुर नाम उनके पिता ने दिया। और इस दिन पर सामान्य तौर पर उनकी वीरता, उनके साहस, उनके बलिदान से रिलेटेड चीज़ें गुरुद्वारों में बताई जाती रहती। इस बार आपका ये बड़ा सादगी से मनाए जाने का निर्णय लिया गया और मास्क वगैरह पहन के आप देख सकते हो यहाँ पर आपका लोग जा रहे हैं। दिल्ली में आपका गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, ठीक है, और इसी गुरुद्वारे में आपका जाके प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना मत्था टेका। आगे बात करते हैं एक और सितारा विक्रमजीत कंवरपाल, जो कि आपका बेसिकली इन्होंने आपका एक फिल्म एक्टर रह चुके हैं, तमाम जगह पर सीरियल्स और तमाम आपका जगहों पर काम किया है। तो इनके बारे में आप भली बात परिचित हो गए, कोरोना ने आपका हमारे से बीच से इनको भी छीन लिया। तो आपको ध्यान रखना विक्रमजीत पाल, विक्रमजीत कंवर पाल का संबंध किससे, ये आपका छोटी मीडिया और बड़ी मीडिया, बेसिकली आपका इन्होंने छोटे पर्दे और बड़े पर्दे दोनों पर काम किया हुआ है। अगला अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अटारनी जनरल सोलो सोराब जी, 2 बार अटारनी जनरल रह चुके हैं। और ये अटारनी जनरल आपका क्यों आपका इस वजह से फेमस रहे, एक बहुत अच्छे वकील थे ये, इन्होंने 2 महत्वपूर्ण केस लड़े, एक तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आपको पता होगा, दूसरा एसआर मुंबई केस। ये दोनों ऐतिहासिक मुकदमे थे जिसकी इन्होंने पैरवी की हुई थी। देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, भारत रत्न पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण इससे सम्मानित आपका थे। मानवाधिकार के लिए भी काम करते थे,
और साथ साथ में ये दो बार आपका अटॉर्नी जनरल है, राइट। तो एक और नाम आपको ध्यान रखना है, जगदीश लाड। ये क्या है, इनका भी निधन हो गया कोरोना से मात्र 34 वर्ष की उम्र में। तो ये जगदीश लाड जी, ये थे अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर और मिस्टर इंडिया, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर भी रह चुके, मिस्टर इंडिया भी रह चुके। ये 90 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया करते थे, एक पेशेवर खिलाड़ी थे, प्रोफेशनल प्लेयर थे। इन्होंने अब विश्व चैंपियनशिप में मेडल भी जीता हुआ था और इनका कोरोना की वजह से निधन हुआ। तो जगदीश लाड़ के बारे में आप ध्यान रखोगे, जगदीश लाड़ क्या है, बॉडी बिल्डर और साथ साथ में मिस्टर इंडिया रहे। अब बात आती दुनिया के सबसे बड़े विमान की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो आपका पोर्ट है, जिसको बोला जाता है मोजावे एयर एंड स्पेस पोर्ट, तो ये मोजावे एयर एंड स्पेस पोर्ट, इस पर दुनिया का सबसे बड़ा विमान जो है, जिसका नाम आप ध्यान रखेंगे, वर्जिन आर्बिट 747 स्ट्रेचो लॉन्च। तो वर्जिन आर्बिट 747 स्ट्रेचो लॉन्च, इसने उड़ान भरी। पहली उड़ान भरने के 2 साल बाद इसने दोबारा से उड़ान भरी है। और ये जो अब विमान है, ये दुनिया के आपका अरबपति और सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मास्क, यस अरबपति जो एलन मास्क है, उनकी एरो स्पेस कंपनी स्ट्रेटो लॉन्च उसने किया है। तो दुनिया के सबसे बड़े विमान वर्जिन ऑर्बिट 747 स्ट्रेटो लॉन्च, इसका निर्माण आपका एलन मास्क की एरोस्पेस कंपनी स्ट्रेटो लॉन्च कर रही है। 2019 में पहली बार उड़ान भरी थी, अब की बार आपका इसने फिर से उड़ान भरी है। हालांकि पिछली बार आपका ये 17,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था, लेकिन इस बार ये सिर्फ 14,000 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंचा है। आगे आपके लिए ध्यान रखने वाली चीज़ रहेगी, आज ही के दिन यानी 1 मई को 1844 में दुनिया की सबसे अनुशासित पुलिस, यस हांगकांग पुलिस का गठन हुआ था। 1884 में सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ हांगकांग के तहत सबसे बड़ी अनुशासित सेवा हांगकांग पुलिस का गठन हुआ था। दुनिया के सबसे पेशेवर पुलिस फोर्सों में से आपका हांगकांग पुलिस फोर्स आती है। इसके अलावा जो लंदन पुलिस है, ये भी आपका दुनिया के सबसे ज़्यादा जो पेशेवर प्रोफेशनल पुलिस सर्विसेज हैं उनमें से एक है।